दोस्तों बात करते हैं यूके पीएससी की आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में, जिसमें आपको टोटल 18 विभागों की वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसमें से आपके 1100 के करीब जो है नई भर्तियां होंगी, नए आवेदन होंगे इसमें, और नया जो है आपका फीस भी लगेगा इन नई भर्तियों को लेकर, ठीक है। और जो पुरानी भर्तियाँ होंगी आपको, जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर रखा है, उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर खुल जाएंगे। और कितना समय लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से पोस्ट के लिए, सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो बात करें पुरानी भर्तियों को लेकर, जिनका यहाँ पर फिर से आपको आवेदन करना पड़ेगा और इन पदों के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी तक फ़िलहाल सभी के लिए बोला गया है। देखते हैं कि सबके लिए होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिलहाल सभी के लिए होगा। और पुनः आपके यहाँ पर आवेदन होंगे, पुनः आवेदन होंगे तो, और फीस आपको नहीं लगानी पड़ेगी जिनका यहाँ पर ऑलरेडी यूके ट्रिपल एससी में आवेदन कर रखा है। बाकी को यहाँ पर जो है आवेदन करना पड़ सकता है फीस में, जिसमें आपके यहाँ पर पटवारी है, जिसमें आपको स्नातक स्तर का है, आपका जो स्नातक स्तर लेवल का है, बंद रक्षक है, 12th पास के लिए है, यह प्रारंभ पर्यवेक्षक है और प्रयोगशाला सहायक है, इसके लिए आपके पास 12th साइंस आपका रखा गया है, मानचित्राकार है आपका यहाँ पर, और फॉरेस्ट गार्ड है, 12th पास रखा गया फॉरेस्ट गार्ड में। और उसके साथ साथ आपका यहाँ पर जो सिविल विद्युत जेई वाले हैं, पॉलिटेक्निक वालों के लिए रखा गया है, और अनुवेक्षक कम संगणक है, और इसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं। इसमें आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन में जो आपका बीएससी है या ZBC जो भी है आपके पास, मतलब साइंस साइड से ग्रेजुएशन होना कंपलसरी कृषि वालों के लिए भी है। इसमें पुलिस कांस्टेबल जो कि आपको यहाँ पर पता ही है, 12th पास आपका रखा गया है ओनली। और उसके साथ साथ कृषि पशुपालन उद्योग जो कि उद्योग स्नातक वाले हैं, यानी कि कृषि वाले स्नातक वाले होंगे इसमें। और सहकारिता पर्यवेक्षक की पोस्ट है, गन्ना पर्यवेक्षक की पोस्ट है, ये सारी सारी आ चुकी हैं। और सहायक लेखाकार जो री एग्जामिनेशन होना है वो आना है, जिसके लिए कॉमर्स रखा गया है। और यहाँ से ये पोस्ट आपके नई आने को मिलेंगे, ठीक है। 1100 के करीब में जो है नई पोस्ट हैं, बाकी 7000 पद होंगे टोटल आपके यहाँ पर। कनिष्क सहायक की पोस्ट आपके होंगे, जिसमें 12th लेवल का होगा आपका, और यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, कनिष्क सहायक की पोस्ट होंगी। और ये व्यक्ति सहायक और कनिष्क सहायक, इसमें यहाँ पर 12th लेवल का होगा व्यक्ति सहायक का, ठीक है। और इसमें 12th वाले अप्लाई कर पाएंगे। सहायक लेखाकार आपके यहाँ पर फिर से आपके आएगी और दोबारा से वाले, क्योंकि ये एग्जाम से कैंसिल कर देगा, तो दोबारा से एक नई वैकेंसी आपके आएंगी। जो यूके तपस्या का अध्याचन आए हुए थे 1100 के करीब, उनका पोस्ट फिर से निकाला जाएगा यहाँ पर। और ये आपके रहेंगे जो आपके कॉमर्स वाले होंगे उनके लिए रहेगा, और व्यवस्थापक जो व्यवस्था अधिकारी का है। और इसमें से मेरे ख्याल से कुछ स्पेशल डिग्री होंगी इसमें। और उसके बाद यहाँ पर स्केलर वन विभाग के अंतर्गत इसमें PCM ग्रुप में आपके पास 12th पास के लिए रखा जाएगा, ये क्वालिफिकेशन आपके रहेंगे। इनकी पोस्ट आपके आएंगी लगभग जो है 450 के करीब, ये पोस्ट आपकी बताई जा रही जो कि 450 के करीब आएंगी। और SI का आपको बताया ही, यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका रहेगा, ठीक है, और जिसमें आपके यहाँ पर फॉर्म फिल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये नई पोस्ट आपके आएंगे 1100 के करीब होंगी, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं, ये सारे की सारी नई पोस्ट हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पोस्ट भी हैं जिनका उल्लेख नहीं किया गया है। लगभग 23 करीब आपके विभागों के अलग अलग पोस्ट होंगे, इसमें 18 दिया गया है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इनकी जो फॉर्म फिल होंगे वो लगभग आपका, एक पहले तो अब जियो जारी होना है इनका, अभी जियो जारी नहीं हो रखा ऑफिशियली, उसके बाद यहाँ पर UKPSC के पास जाएगा और कुछ चेंजेस UKPSC करना है। और 30% जो है आरक्षण का जो लाभ मिलने वाला था महिलाओं को, वो हाईकोर्ट की तरह हटा दिया गया है, तो इसमें भी रोस्टर में चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो टाइम लगेगा इसमें, और लगभग जो है आपको क्या बता फॉर्म वॉर्म या अप्लाई करने को लेकर 15 दिन तक वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, इतना टाइम लग सकता है इन पर उनको फॉर्म फिल करने में। बाकी फॉर्म फिल करने का समय कितना देते हैं, क्या देते हैं, वो कंफर्म नहीं है। एक्चुअल में 1 महीना देते हैं, वैसे तो 1-1.5 महीना देते हैं, लेकिन ये आपके UKSSSC से आके फॉर्म फिल करके वापस आए हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से समय कम देना चाहिए इनको, 7 दिन या 10 दिन का समय देना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये इतना हो सकता है। बाकी आपके जो यहाँ पर कुछ नियम चेंज होने हैं UKPSC में, उसके बाद ही यहाँ पर जो है ये फॉर्म फिल होंगे, क्योंकि व्यवस्थाएँ करनी है सही से ठीक ठाक, उसके बाद ही यहाँ पर जो है ये फॉर्म आपके UKSSSC से UKPSC में आ जाएंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर फॉर्म फिल हो जाएगा। और पेपरों में लगभग जो है आपका यहाँ पर टाइम लगने वाला है, ठीक है, 4 से 5 मंथ लग ही जाएगा इतना, ठीक है, और 1 मंथ मान के चलो फॉर्म फिल करने में 1 मंथ लग जाएगा करीबन मान के चलो, ठीक है, तो इतना टाइम लग सकता है अभी इसमें। तो ये आपके फॉर्म है जो कि आपको इतने सारे फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे अब बाद में।